नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो है पोडोफाइलम का हिंदी में। तो हिंदी में बात करना बहुत ज़रूरी है पोडोफाइलम के केस में, क्योंकि इसको मैंने इंग्लिश वीडियो में एग्जाम्पल दिया था रामायण से, श्री राम से। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ इसीलिए मैंने राम जी का एग्जाम्पल दिया। ऐसे हर धर्म में जो हमारे भगवान हैं या जो हमने सुपर पावर जिनमें भी हम बिलीव करते हैं, तो उनसे कुछ हमें वैल्यूज़ मिले हैं जिनसे हमको अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जीने के तरीके आए हैं, जिनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और हर रेमेडी एक ऐसी छाप छोड़ती है हमारे मन में जिससे हमको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। हर रेमेडी की कोई ना कोई खूबियाँ हैं जो हमारे अंदर, इसीलिए बोलते हैं हमारे अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं। तो हमारे भी स्टेट इसीलिए बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं जैसे जैसे हम घटनाओं को फेस करते हैं, जैसे हमारा माहौल होता है। तो आज हम एक स्टेट में हैं लेकिन कल हम दूसरे स्टेट में हो सकते हैं क्योंकि सिचुएशन बदल गई है। तो जैसे लॉकडाउन के पहले हम मस्त हंसते खेलते रहते थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जैसे बहुत खुश रहते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, बिजनेस ठप हो गया और लोगों का आना काम पे बंद हो गया और बिजनेस ही नहीं चल रहा है, पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टेट चेंज होगा ना। तो हमारे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके हमारे स्टेट को ऊपर लेके आते हैं, जिस तरह का माहौल बनता है उसके ऊपर। तो पोडोफाइलम जैसा इंसान होना, ऐसा नहीं है कि इन जनरल पोडोफाइलम के सारे स्टेट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो जो स्टेट था जहाँ पे कि उनको राज सिंहासन मिलने वाला है अगले दिन सुबह, और उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने बोल दिया कि तुझे वनवास पे जाना होगा, तो वहाँ पे उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए था? अगर मैं या आप में से कोई भी वो जगह पे होता तो रिएक्शन कैसा होता? तो पोडोफाइलम का रिएक्शन समझने के लिए वो एक एग्जाम्पल, बहुत ही खूब एग्जाम्पल है कैसे उनने हंसते हुए मुस्कुराते हुए इसको अपना लिया। बोला कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा वनवास, वो भी 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल। कोई नौजवान अपनी जवानी छोड़ के, राज सिंहासन छोड़ के, अपनी बीवी और भाई को लेके चल पड़ा। तो ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात थी, सीखने वाली बात थी कि हमको अपने राज्य से, अपने जिस किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव ना हो, जिससे कि हमको कोई सदमा ना बैठे या कोई अंदर मन में कोई बात ऐसी ना सताए कि देखो किसी के प्रति भी कोई भी गलत सोच नहीं है कि इतने बड़े आदमी को भी किसी ने कुछ भी बोल दिया। जैसे उसके एलिमेंट्स फ्रॉम है बहुत सारे कि किसी ने कुछ उसको दुर्व्यवहार किया उसके साथ, तो वो उसको कैसे अपनाता है ना, पोडोफाइलम एकदम शांति से अपनाता है। कैसे सोच के कि ये तो मेरे नसीब में होगा, इसका ऐसा नसीब से उसको जोड़ देता है और एक अपने अंदर समाधान पा लेता है और शांत, एकदम शांति प्रिय लोग होते हैं ना। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, ये एकदम विनम्रता से बात करते हैं किसी से भी। अगर उसके दो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, एक पहलू ये है जहाँ वो अपने मस्ती में मस्त रहता है ना, चंचल रहता है, जिंदा दिल रहता है, आनंदित रहता है, उत्सुकता से बात करता है सबके साथ और बहुत सारी बातें करेगा, और उसको देख के लगेगा ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी में भी कभी कोई तकलीफें होती होंगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसी किसी की भी ज़िंदगी नहीं है जिसके ज़िंदगी में कोई तकलीफें ना हो, लेकिन पोडोफाइलम जब बात करेगा ना तो एकदम शांति से, बहुत जिंदा दिल, बड़ा मज़ा आएगा उसके साथ बातें करने में किसी को भी। तो एक ये स्टेट है उसका, और वो क्या चाहता है ना, अगर कभी उससे कोई गलती हुई हो या उसके परिवार वालों से, वो सोचता है कि इसका सुधारीकरण होना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, कहीं कोई किसी ने झूठ बोल दिया, किसी का झूठ सुन लिया, तो उसको बड़ी ही अंदर ही चिड़चिड़ होती है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया।
तो वो चाहता है कि बातों को अच्छे तरीके से सही ढंग से लोग समझें, पर अगर वो नहीं समझते हैं ना तो वो वहाँ पे वो उस गुस्से को पी जाता है। उसके जो इमोशंस आते हैं वो एकदम डायरेक्टली कन्वे नहीं कर पाता है लोगों को, कि अगर उसको बहुत गुस्सा आई है ना वो पूरा गुस्सा दिखाएगा, अगर उसको बहुत गम हुआ है ना वो पूरा गम दिखाएगा। वो अपने आप को हमेशा समाधान में रखेगा, किससे जोड़ देगा कि ये किस्मत में होगा करके छोड़ दो, जाने दो, जिसको जैसे रहना है वैसे रहो। तो जैसे सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी हो गई, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी ली, लेकिन अगर आज उठ के उसके बच्चे बोलते हैं कि आपको ऐसे ही रहना होगा, आपको ये घर छोड़ना होगा, आपको वो शहर छोड़ना होगा, वहां जाके रहना होगा, तो वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है कि अब तो वैसे भी हमको जो करना था कर लिया, अब नसीब में ये होगा, चलो वहां जाके रह लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है करके छोड़ देते, झगड़ा हम नहीं मोड़ लेते हैं। पोडोफाइलम झगड़े में नहीं पड़ते, उनको किसी की भी बात का कितना भी बुरा लगने दो, वो कभी भी अपनी आवाज उठाना सही नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि बात करो, अगर थोड़ी सी बात में अगर वो बात उनको समझ आए तो ठीक है, थोड़ी बात में अगर उनको नहीं समझ आ रहा ना वो बात को छोड़ ही देना चाहिए। तो ऐसा करके वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, और अपने जो उनके जो डिजायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका वो बहुत आसानी से परित्याग कर देते हैं। आत्म परित्याग, सेल्फ डिनायल ऑफ पोडोफाइलम। तो स्टाफिसेग्रिया जब आत्म परित्याग करता है किसी भी चीज का, उसको जो बहुत पसंद है वो छोड़ेगा, और उस जोश को वो कहाँ लगाएगा ना, ऊंचाइयां पाने में, अपना नाम कमाने में, और वहां पे अपने आप को खींच के ले जाएगा जहां लोग उसको देखें और उसकी प्रशंसा करें। और पोडोफाइलम जिन जिन उसकी जो इच्छाएं हैं ना उनको वो मारेगा और अपने अंदर ही रखेगा, और जो भी जरूरी आवश्यक चीजें भी हैं ना वो भी करने से वो कतराएगा और सोचेगा संतुष्ट प्राणी है, बोलेगा मुझे इसकी क्या जरूरत है। वो बोलेंगे कि मम्मी मैं आपको ना एंड्रॉयड फोन गिफ्ट करता हूँ, ये क्या, ये तो नॉर्मल फोन है, 20 साल पहले चलाते थे। उसकी मम्मी अगर पोडोफाइलम है, बोलेंगे एंड्रॉयड फोन की क्या जरूरत है, कुछ भी सुनना होता है तो मैं टीवी चला लेती हूँ, पढ़ना होता है किताबें पढ़ लेती हूँ, बात करने के लिए ही तो चाहिए, तो 2,000 का भी उतने में ही वही काम करूंगी, 20,000 के फोन में भी वही काम करूंगी, रहने दे। तो वो रहने दे, वो ये नहीं है कि वो दे रहा है तो वो इच्छा उसकी ले लें, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो बेटे ने नहीं समझी। तो अब वो सोचती है ये छोटी मोटी है, मटीरियलिस्टिक लिविंग नहीं है पोडोफाइलम की, बहुत ही साधारण लिविंग है, सिंपल लिविंग है। तो वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देते, ना शिकायत करते हैं किसी की, एकदम गंभीर तरीके से रहेंगे, अपने बात पे अड़े रहेंगे। अड़े रहना भी ये नहीं है कि सामने वाले की कठिनाइयां या परेशानियां ना समझें, उनकी अवस्था को समझते हुए वो डिसीजन लेते हैं। बहुत ही सुलझे हुए समझे हुए लोग होते हैं पोडोफाइलम, जिनने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं सही हैं जिंदगी में, वो पोडोफाइलम के स्टेट में काफी आ सकते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि बहुत स्ट्रगल कर ली लाइफ में, अब इससे ज्यादा नहीं करना, अब ना जैसा है वैसा चलने दो, जो नसीब का खेल है उसको अपना लो, शांत रहो और बाकी का जीवन ऐसे ही व्यतीत करो। तो ये पोडोफाइलम का स्टेट होता है, जहाँ पे कि हमने मटीरिया मेडिका में समझा है प्रोफ्यूज, प्रोलैप्स, पेनलेस। तो ये उसका पेनलेसनेस है। पेन किसको होता है ना, जो अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास वालों को कुछ जताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, उन लोगों को पेन होता है। लेकिन जो सोचता है कि मुझे इनको नहीं बताना है, मुझे उनको अपनी, मेरी वजह से उनको दिक्कत ना हो, ऐसे लोगों को पेनलेस प्रॉब्लम्स होती हैं, भले ही प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो। तो इसीलिए प्रोफ्यूज है, प्रोलैप्स है, अंदर से कमजोर हो रहा है वो, लेकिन फिर भी पेनलेस रहेगा, शांति जीव है, ना किसी को तंग करना है, ना किसी को घबराना है, खुद की वजह से कोई दिक्कत नहीं देनी है। तो इसीलिए वो उस स्टेट में रहते हैं कि बहुत कुछ है कहने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन
वो ऊपर से ऐसे एकदम चंचल जीव रहेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इवन बच्चा होगा ना तो बच्चा भी ऐसे ही रहेगा, खेलता कूदता रहेगा, बुखार में भी या फिर उसको लूज मोशन हो रहे हैं तो वो जो डायरिया होगा उसका, उसमें भी वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, अपने मस्ती में मस्त है। और माता पिता को फिर सोच में पड़ रहे हैं, इसको ना कमजोरी आ रही है ना कुछ बोल रहा है वो, लेकिन उसको दिक्कत तो बहुत हो रही है। तो ऐसे केसेस में पोडोफाइलम काफी काम आएगा। बहुत कुछ कवर किया है। रूब्रिक्स के लिए इंग्लिश वीडियो जरूर देखिए, और हिंदी वीडियो के लिए आपके कमेंट्स बहुत आवश्यक हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ हिंदी में लंबे समय तक, क्योंकि हमारे जो 3 नाइस मैन हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी वीडियोस पे। तो मैं एक संक्षेप में आपको बस एक छोटी सी छोटा सा एक रूप प्रस्तुत कर पा रही हूँ। तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा इंग्लिश में होगा, जिसमें कार्सिनोसिन, स्टैफिस एग्रे और पोडोफाइलम के मैं रूब्रिक्स दिखाऊंगी डिफ्रेंसिएशन वाले। थैंक यू सो मच।